कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की चल रही कवायद के बीच प्रदेश सरकार की ओर से एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब SIA को सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का इंतजार है, क्योंकि सरकार की ओर से EAC का गठन SIA की रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए किया है। EAC द्वारा SIA को स्टडी करके अपनी रिकमेंडेशन सरकार को भेजी जाएगी, जिस पर सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के बारे में आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। आपको बता कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर SIA की फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। देखिए, जो कांगड़ा एयरपोर्ट है इसकी एक्सपेंशन को लेकर जो हमारी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है उनकी तरफ से सबमिट की गई थी, और उसके ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर 10, 11 और 12 अप्रैल को जो है हमारे यहाँ पब्लिक हियरिंग्स कंडक्ट की गई थी तहसील कांगड़ा और तहसील शाहपुर के अंदर। और उसके उपरांत अभी जो हमारी फाइनल SIA की रिपोर्ट है उसकी जो वेट है वो उस समय HIPAA के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो सेक्शन 7 है हमारा एक्सपर्ट अप्रेजल ग्रुप, जिसमें कॉन्स्टिट्यूट होता है जो SIA रिपोर्ट को स्टडी करेगा और गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस देगा, उसका भी जो गठन है वो सरकार द्वारा कर दिया गया है। और इसमें डिप्टी कमिश्नर जो रिहैबिलिटेशन है हमारे राजा के तालाब में जो बैठते हैं उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और जैसे ही HIPAA के माध्यम से फाइनल SIA रिपोर्ट उन तक पहुंचती है वो पूरी कमेटी को कन्वीन करेंगे और उसको पूरी रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करेंगे, उसमें हर चीज़ को स्टडी किया जाएगा और उसके उपरांत अपनी जो रिकमेंडेशन है वो प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। तो इस समय जो हमारा कांगड़ा एयरपोर्ट का जो स्टेटस है वो ये है कि हमारी SIA की फाइनल रिपोर्ट अवेटेड है और इसके उपरांत जो है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो सरकार द्वारा गठित की गई है वो अपनी रिकमेंडेशन स्टेट को सौंपेगी।